हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम वंस अगेन। तो हमारा आ गया टाइप 4। ठीक है, फंक्शंस में टाइप 4। तो जरा देखते हैं, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी का रेसिप्रोकल हो गया ये। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं फटाक से। तो मैं पहला पार्ट आपको बताता हूँ। एफ एक्स आपको दिया हुआ है, डोमेन मांगा है इसने, √9 − x². ठीक है जी, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर दो बातें हो गई, एक तो हमारा क्वेश्चन अपॉन में भी आ गया है ना, डिवाइड में आ गया, और दूसरी बात रूट में भी आ गया। दोनों बातों का मिक्स हो गया। आपको मालूम है ना, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, तो मतलब ये वाली वैल्यू जीरो तो होगी नहीं, जीरो से बड़ी होगी है ना, जीरो के इक्वल भी नहीं होगी। दूसरी बात, क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, जीरो से बड़ी। तो देखो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, तो आपको बताना परेशानी है या नहीं है, कि जो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है ये कभी भी जीरो तो हो नहीं सकती, क्योंकि अपॉन में है, और होगी तो जीरो से बड़ी होगी। बोलो, देखो मैंने इक्वल नहीं यहां पर लगाया। अगर ये 1/ ना होकर के अंडर रूट में होता, सिर्फ अपॉन ना होता, डिवाइड में ना होता, तो यहाँ इक्वल भी आता, जो अभी हमने लेटेस्ट टाइप की थी, टाइप 2 शायद, है ना, याद आया? वेरी गुड, तो याद रखनी है। तो यहां पर यही वाली बात है कि यहाँ इक्वल नहीं आएगा, बाकी तो फिर बल्ले बल्ले, आपको आता ही है, आप अच्छे बच्चे तो हो ही। माइनस से माइनस कट, साइन चेंज हो गया, स्क्वायर ऊपर गया, √9, और 9 तुम्हें पता है 3 हो गया, और एक माइनस का 3, अगेन साइन चेंज। तो इसको आप या तो ऐसे लिखो कंबाइंड करके ऐसे, या फिर ऐसे लिखो −3, 3, और देखो राउंड ब्रैकेट, यानी एक्स की वैल्यू ये होगी, ये आपका डोमेन है। इसे कहते हैं ओपन इंटरवल, मतलब −3 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, इसके बीच का लेना है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ऑलराइट, अब आते हैं टाइप 5 पर। हाँ जी, अब आ गया टाइप 5, दिस इज टाइप 5। ओके, देखो आगे जितनी भी टाइप्स आती जाएंगी वो सब कॉम्बिनेशन होंगी प्रीवियस टाइप्स का। ठीक है, हालांकि कुछ एक्स्ट्रा भी आएंगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत स्कूलों में आती है, प्राइवेट्स में ज्यादातर। तो जरा देखते हैं, मैं फर्स्ट वाला आपको बता रहा हूँ, सेकंड वाला आपको खुद करना है, और इसका आंसर मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, ये यूनियन है। चलिए, तो हम लिखते हैं इसको, f(x)√4 − x + 1/√√(x²−1। तो आपने ध्यान से देखा, ये दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से दिखाया जाए। इसको अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख दूं बच्चों, अगर आपको एतराज ना हो, 4 − x > 0 होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अंडर रूट वाली चीज कोई भी अंदर हो वो या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी अंडर रूट है, लेकिन ये अपॉन में आ गया, तो ये भी बिहेवियर तो उसका यही रहेगा, x²−1, लेकिन ये ग्रेटर देन जीरो, इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि इक्वल होगा तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसको अलग डील करना है, इसको अलग डील करना है, पहली बात तो ये। अब यहां से सॉल्व करो, एक्स इस तरह से −4 हो गया, साइन चेंज होगा, तो ये वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 4 या 4 से छोटी। और यहाँ पे सॉल्व करो, ये 1 हो गया, स्क्वायर उतर गया, तो √1, और आपको मालूम है ये हो गया 1 और ये हो गया −1, तो लेस देन हो जाएगा, है ना, रूट से नंबर निकलेगा तो प्लस में और माइनस में, माइनस आते ही साइन फिर चेंज। अब जरा मजेदार बात देखनी है, पहले एक नंबर लाइन को देखते हैं। नंबर लाइन के बारे में जानकारी तो रखते होंगे आप, −∞ और +∞। नंबर लाइन पे कुछ मत रखना, वही रखना जो आया है, एक आया 4। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब इक्वल के साइन हो ना, ऐसे इक्वल के साइन हो, तो सर्कल ऐसे करके बनता है, फिल्ड है ना, इसको बोलते हैं क्लोज्ड, इसका मतलब इंक्लूड, मतलब ये वैल्यू इंक्लूड होती है। और जब ऐसे और ऐसे हो तो नंबर लाइन पे ऐसे करके बनता है, इसका मतलब होता है ओपन, ओपन का मतलब एक्सक्लूड। ठीक है, अभी आ जाएगा समझ में, होल्ड करो, टेंशन मत लो, अभी आ जाएगा समझ में। देखो भाई, एक्स की वैल्यू 4 आई है, तो 4 यहां कहीं होगा, अंदाजे से मान लो, नापातोली करने की जरूरत नहीं है, और नंबर लाइन पे वही वैल्यू डालो जो निकल के आई है, आईडिया से, अंदाजे से, तो 4 मान लो यहां पर, तो ये ऐसे करके बनेगा, देखो फील्ड, क्यों फील्ड, क्योंकि एक्स 4 भी तो हो सकता है, इक्वल इक्वल भी है, तो ये इंक्लूड है, 4 या 4 से छोटा, तो 4 से छोटा कितना छोटा, जरा सोचो, गलत हो गया यार, हाँ जी, 4 या 4 से छोटा, तो भाई x की वैल्यू यहाँ पे एक लगाओ एरो और हल्का सा इस तरफ मार्क करो, मतलब इसकी वैल्यू इस तरफ आएगी। देखो ये कितना है, 4 है, तो इसकी वैल्यू 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, इस तरह से आती जाएगी यहां तक। ठीक है, एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, समझना पहले। अब इसको देखो, एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 1, यहाँ कहीं होगा, 4 से हल्का सा दूर होगा, यहाँ कहीं होगा, ये आ गया 1 का गोला, a1। इसे फील्ड नहीं रखना, क्योंकि देखो इक्वल नहीं है, मतलब x की वैल्यू 1 नहीं है, 1 से बड़ी है, 1 यहां पर एक्सक्लूड है। अब आया समझ इसका और इसका मतलब? ये एक्चुअली चैप्टर 6 में आएंगे ज्यादा डिटेल में, तो यहां पर थोड़ी देर के लिए बस समझ लो।
तो x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी कितनी बड़ी, 2, 3, 4, तो ये इस तरह से जाएगा। तो इसका बन गया, इसका बन गया, बनाओ इसका। x की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, माइनस वन का यहाँ यहाँ होगा इस साइड, इसका भी देखो ओपन आएगा ऐसे करके माइनस वन। इसने कहा x छोटा है माइनस वन से, तो माइनस वन से छोटा इधर की तरफ होगा, तो इधर हो गया। ठीक है, तो नंबर लाइन पे ये आपने बना लिए। एग्जाम में ये बनाना जरूरी नहीं है इसके अंदर, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अब देख रहे हो इसकी और इसकी चौंच एक तरफ है ना, ये दोनों एक तरफ है, यानी ये दोनों मिलके तो एक बन जाएंगे, यानी एक आंसर आ रहा है हमारा वन से लेके फोर। इसका इंटरवल ऐसे है क्लोज, और इसका इंटरवल कैसे है ओपन। अब मतलब समझ में आया, ये इंक्लूड है और ये एक्सक्लूड है, मतलब चार ले सकते हैं लेकिन वन नहीं लेना, वन से बड़ा लेना है, चार लेना है या चार से छोटा लेना है। तो इसका तो रिजल्ट ये रहा, देखो दोनों की चौंच आपस में है, तो इसका मतलब ये दोनों मिलके एक बन गए। इसे देखो ये क्या है, माइनस वन से छोटा, यानी इधर की तरफ जाना है, तो कितना माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर कितना जाना है, माइनस इन्फिनिटी तक। तो एक ये बन गया, माइनस इन्फिनिटी तक जाना है माइनस वन से। ठीक है, ये भी ओपन था और इन्फिनिटी हमेशा ओपन ही रहती है। ठीक है, यानी हमारा आंसर ये भी है और हमारा आंसर ये भी है, दोनों आंसर हमारे निकल के आए हैं। तो यूनियन से इनको जोड़ देते हैं, मर्ज कर देते हैं, है ना, ज्वाइन कर देते हैं, मर्ज करना ज्वाइन करना। तो दिस इज आर रिजल्ट, ये हमारा आंसर है। ओके, तो ऐसे ही ये आपका हो जाएगा। ये वाला देखो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट और रूट वाला है। ठीक है, कभी भी ना ऊपर वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमेशा डिनोमिनेटर से खेलते हैं हम। ओके, तो टाइप फाइव एक बार देख लेना, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट चैप्टर सिक्स में ज्यादा डिटेल में आएगा, थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है और ये बातें ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट टाइप पर आते हैं गाइस। हाँ जी, अब आ गई टाइप सिक्स। ठीक है, ट्रिगो की टाइप है, ट्रिगो आते ही आधे बच्चों की तो जान वैसे निकल जाती है। हा? तो देखो बच्चों, ट्रिगो स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर थर्ड में, लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी बात जान लो, ये वाली बात नोट है ये कि साइन थीटा अंदर चाहे कुछ भी हो, साइन टू थीटा, साइन टू एक्स, साइन सेवन एक्स, साइन नाइन एक्स, अंदर कुछ भी हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको याद रखना है साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होती है, यानी अंदर कुछ भी वैल्यू डालो साइन थीटा कभी वन से ऊपर नहीं जाएगा और माइनस वन से नीचे नहीं जाएगा। यही बिहेवियर कॉस थीटा का भी होता है, वन से कभी ऊपर नहीं जाता और माइनस वन से कभी नीचे नहीं आता। तो साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन और माइनस वन के बीच में रहती है। ठीक है, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है, और बाकी वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो माइनस वन और वन के बीच में आएंगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों होती है, डिटेलिंग वगैरह इसके लिए चैप्टर थर्ड में देखेंगे हम। फिलहाल आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, ये सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिया, ये वाला मैंने लिया न्यूमेरिकल, फर्स्ट वाला, बहुत सारे चार हैं। इसने कहा है डोमेन बताओ और रेंज बताओ, तो जरा सॉल्व करते हैं फटाक से। पहले निकालते हैं डोमेन। आपको याद रखना है कि साइन और कॉस का डोमेन ना रियल नंबर होता है, मतलब अंदर कुछ भी डालो, एक्स की जगह टू डालो, फोर डालो, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी डालो रियल नंबर ही रहेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में आएगा चैप्टर थर्ड में, जब तक वेट करो। ठीक है, बस ये बात याद रखो कि साइन कॉस का डोमेन रियल नंबर है। अब रेंज पे आती है बात, अब रेंज समझना। रेंज का मतलब एफ एक्स की वैल्यू तो होता है, बताया था ना मैंने रेंज को एफ एक्स की वैल्यू तो बोलते हैं। तो देखो भाई, इसमें सबसे पहले उठाओ वो चीज जिसके बारे में आपको जानकारी है, जानकारी आपको साइन के बारे में है। तो आपको ये तो मालूम है ना कि साइन की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन वन और माइनस वन और वन के बीच में रहेगी। ठीक है, अब इसको ऐसा बनाओ, आगे माइनस टू चाहिए तो माइनस टू से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस टू, तो माइनस टू से यहां मल्टीप्लाई होगी तो टू, ये साइन बदल जाएगा। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो साइन बदल जाता है, प्लस टू से होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां माइनस टू से मल्टीप्लाई होगी, नो प्रॉब्लम, ये साइन बदल जाएगा, यहां होगी बदल गया। ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चों, मैंने इसे उठाया ए, ये देखो उठ गया, और ए ऐसे करके लिख दिया पलट के, तो कोई फर्क पड़ेगा, यानी ये बाद वाला जो मैं यहां लिख रहा हूं और ये साइन बदल रहा हूं मैं इसके, और देखो ऐसे, जरा सोच ना मन की आंखों से, क्या ये बात सच है? अरे कुछ नहीं किया यार, इसको ऐसे उठाया मेरे हाथ में देखो और ऐसे करके पलट दिया। ठीक है, बात वही है, अभी भी देखो माइनस टू साइन माइनस टू से बड़ा है, अभी भी देखो माइनस टू साइन माइनस टू से बड़ा है। ठीक है, तो बात वही है। आगे देखो भाई, यहां मुझे थ्री चाहिए प्लस में, तो यहां पे इसके साथ थ्री चाहिए, तो एक काम करो एडिंग कर दो थ्री, जो भी होगा बोथ साइड होगा, एडिंग थ्री बोथ साइड, एडिंग थ्री बोथ साइड, जो भी होगा बोथ साइड, तो यहां थ्री एड करो, ये ऐसे रहेगा, यहां भी थ्री एड करो, ठीक है, और यहां भी थ्री एड करो। ठीक है जी, ये बन गया वन। ऑल राइट, देखो ये चीज तो सेम टू सेम ये बन गई, और इसका नाम क्या था, एफ एक्स। ऑल राइट,
और ये क्या है 5, मतलब एफ एक्स की वैल्यू 5 से छोटी या 5 के बराबर है और 1 के बराबर या 1 से बड़ी है, तो हमारा रेंज का जो आंसर है दैट इज व्हाट 1.5 और ओ क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्योंकि इक्वल के साइन है, तो ये हमारी रेंज है। आगे समझ, तो आई होप आपको समझ आया होगा। हाँ एक बताता हूं मैं आपको अपॉन वाला। हाँ जी देखो इसका थर्ड पार्ट एक बार और देख लेते हैं। एफ एक्स हमें दिया हुआ है 1/2 - sin 3x / 3, ठीक है। पहले निकालना है डोमेन, तो डोमेन मैंने आपको बताया हुआ है व्हाट रियल नंबर, साइन कॉस का डोमेन क्या होता है रियल नंबर, इस बार ये चैप्टर थर्ड में डिटेल में आएगा। अब निकालते हैं रेंज, चलो जी रेंज निकालते हैं। तो रेंज आपको मालूम है एफ एक्स की वैल्यू को ही कहा जाता है, तो पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में देखो आपको नॉलेज किसकी है, नॉलेज इसकी है क्या कि साइन 3x जो भी होगा -1 और 1 के बीच में होगा, है ना, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3x है 4x है 9x है 20x है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा है होने दो। अब इसको ऐसा बनाओ, इसकी जो शक्ल है वो ऐसी करके बनाओ, आगे माइनस चाहिए तो माइनस लगाओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने मल्टीप्लाइंग बाय -1, मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, साइन चेंज केवल माइनस लगाने पे ही होगा, ध्यान रखना बार बार कभी भूल जाओ, ठीक है, ऐसा हो गया। आगे मुझे 2 चाहिए इसके आगे, तो 2 ऐड कर देता हूँ, एडिंग 2, ठीक है, जो भी काम होगा बोथ साइड होगा बच्चों, तो यहाँ पे 2 ऐड होगा तो 3 हो जाए, ये 3 हो जाएगा, ये साइन ऐसे ही, यहाँ 2 ऐड होगा नो प्रॉब्लम, घुमा भी सकते थे बट मैंने नहीं घुमाया, और यहाँ पर 2 ऐड होगा तो 1 बच जाएगा, -1 + 2 1, ठीक है। अब देखो मेरे को ये चाहिए अपॉन में, 1/2 चाहिए, तो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करो तो सबका होगा 1/3, रेसिप्रोकल होगा तो भी साइन चेंज होगा, ध्यान रखना साइन, ये जो साइन है ये जब चेंज, जब जब चेंज होता है, जब माइनस से मल्टीप्लाई होती है या माइनस से माइनस कटता है या रेसिप्रोकल होता है, तो उसका रेसिप्रोकल करो तो साइन चेंज होगा, इसका भी रेसिप्रोकल साइन चेंज, ये बातें याद रखना। एक्चुअली ये चैप्टर 6 की बात है, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहना है, ठीक है गाइस, हो गया। अब देखो 1/3 ये ऐसी, ये तो एफ एक्स बन चुका है, इसकी शक्ल ऐसी हो गई है पूरी, और इसका नाम एफ एक्स है, और ये कितना है 1, तो देखो आंसर आया 1 और 3 और 1 के बीच में, यानी 1, 3 और 1, ओपन इंटर क्लोज इंटरवल आएगा, 1/3 और 1 के बीच में हमारा रेंज है, एक्स की वैल्यू ये सॉरी रेंज आ गई हमारी, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस थे, एक्स्ट्रा थे, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, प्राइवेट स्कूल के अंदर एग्जाम्स के अंदर बहुत आते रहते हैं, कॉम्पिटिशन में भी आते हैं, ठीक है। अब आगे देखो अगला एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। हाँ जी गाइज देखिए टाइप नंबर 7 है, एक्चुअली ये जो टाइप नंबर 7 है ना ये चैप्टर 2 के अंदर बहुत कम यूज होगा, मेनली ये चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो अगली टाइप आएंगी उसके अंदर ना इसका यूज है, अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा तो फिर वो वाली टाइप आपको समझ नहीं आएंगी, वो एक्स्ट्रा है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ये टॉपिक बता रहा हूं। देखो जब भी कोई बिल्डिंग बनेगी तो पहले तो बेस बनेगा ना, तो पहले बेस बना रहा हूं उसके बाद बिल्डिंग बनाएंगे, ओके, तो इसको समझते हैं। कभी भी क्वेश्चन अगर अपॉन फॉर्म में आए, डिवाइड में आए, और इक्वालिटी का इनइक्वालिटी का सिंबल हो, इसे बोलते हैं इनइक्वेशन, इनइक्वालिटी, जहां पर भी ग्रेटर देन इक्वल देन के साइन होते हैं उन्हें बोलते हैं इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटी, तो ये साथ साथ चलेगा आपके, यानी क्वेश्चन की शक्ल ही ऐसी होगी, तो उस केस में आपको देखना है ऊपर जो वेरिएबल है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, आगे पॉजिटिव साइन, यहां भी देखो पॉजिटिव, यानी यहां रिपोर्ट एकदम ओके है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहां से एक तो 1 निकल के आई और एक 2 निकल के आई, अगर 0 के इक्वल मनी मन में रख के देखो 1 और 2 आई। अब बनाओ नंबर लाइन, नंबर लाइन पे इधर माइनस इनफिनिटी और इधर प्लस इनफिनिटी, वैल्यू यही पुट करो अंदाजे से, 1 कहां पर है यहां कहीं होगा, ठीक है, ये ऐसे करके, यहां इक्वल है तो इसको भर दो, है ना, इक्वल है ना, इसका मतलब क्या है इक्वलिटी, मतलब 1 इंक्लूड है, और 2 यहां कहीं पे वो 2 होगा, ये तो 1 है और ये कितना होगा 2, देखो यहां पे इक्वल है, लेकिन 2 को ना भरना नहीं है, 2 को रखना है ओपन, ऐसा क्यों भाई, अपॉन में डिवाइड में x की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती, याद करो अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 - 2 विल बी व्हाट 0, तो इस केस में इसको अवॉइड करना है और दिमाग से काम करना है कि अपॉन वाली चीज कभी भी इक्वल नहीं होगी, तो इसलिए मैंने इसे ओपन रखा, आगे समझ। इसके बाद हमेशा इस साइड से स्टार्ट होगा, यहां प्लस लगाना है, यहां माइनस, यहां प्लस, हमेशा लगाना ही लगाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से अल्टरनेटिव चलता रहेगा। अब देखो अगर ओरिजिनल क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये सारी चीजें पॉजिटिव है, आगे कुछ भी हो और ग्रेटर देन का साइन हो, तो हमेशा प्लस वाले और प्लस वाले आंसर माने जाएंगे, तो एक ये इंटरवल और एक ये इंटरवल, ये इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1 है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 ये क्लोज और ये ओपन यूनियन, और एक ये इंटरवल, ये 2 से इन्फिनिटी है,
दो से प्लस इंफिनिटी, ये भी ओपन, ये भी ओपन, तो ये हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक है, ओके। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी चार एग्जाम्पल और है, समझ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगी बात। इसे देखो भाई, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले ऊपर होना चाहिए पॉजिटिव, तो ऊपर देखो x के आगे नेगेटिव है, यानी पहले ठीक करो, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये ठीक हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, वन नेगेटिव हो जाएगा, ये x प्लस टू नीचे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये ऐसे ही। माइनस यहां से हटेगा तो माइनस यहां से हटेगा तो ये साइन बदल जाएगा, उधर x के आगे ना कभी नेगेटिव होना नहीं चाहिए, तो उसे हटा दो तो साइन बदल जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास यहां पर एक वन आई और एक माइनस का टू आई, दो वैल्यू निकल के आई, नीचे वाली वैल्यू माइनस टू और ऊपर वाली वैल्यू वन आई। अब बनेगी नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, वन वैल्यू यहाँ कहीं होगी, ठीक है, ये इस तरह से बनाया, ये वन है और इक्वल भी है, तो इसे फिल कर दो क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू है, नीचे वाली माइनस टू यहाँ कहीं होगी, अंदाजे से बनाया माइनस टू और इसे ऐसे रखो, ये कभी इक्वल नहीं हो सकती। रीजन, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू माइनस टू हो गई तो नीचे जीरो बन जाएगा और काम खराब हो जाएगा। इसके बाद हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इस तरह से होगा, ठीक है, राइट साइड से, राइट साइड से स्टार्ट होगा, ऐसे करके जाना है, प्लस माइनस प्लस करते करते। तो अब देखो यहाँ पे लेस देन आ गया, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा अब ये बन गया, ठीक होने के बाद, ये नहीं है ओरिजिनल, ये बन गया, इसमें देखो लेस देन का साइन है, तो जब लेस देन का साइन आ जाए तो माइनस वाले आंसर होंगे, तो माइनस वाला तो एक ही आंसर है ये, तो हमारा इंटरवल बनेगा माइनस टू से वन, ये क्लोज और ये ओपन, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू जो भी होगी इस इंटरवल के बीच में होगी, इस इक्वेशन के लिए, इन इक्वेशन के लिए। एक और देखते हैं गाइस, ये रहा, तो देखो ये ऊपर तो ठीक है, एक्स एक्स कैसा है, पॉजिटिव है ना, आगे नंबर है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे देखो नेगेटिव एक्स के आगे, तो पहले से ठीक करो, तो 2x माइनस वन ऑल राइट, माइनस कॉमन लो नीचे से, 3x माइनस सेवन हो गया ग्रेटर देन, माइनस जब यहां से हटेगा तो ये साइन बदल जाएगा, देखो ऐसा हो गया ये, ठीक है, ये साइन बदल गया, ग्रेटर देन का बन गया लेस देन, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहां से एक वन बाय टू आई और एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आई, सेवन बाय थ्री आई, जीरो के इक्वल रखा मनी मन के अंदर, ठीक है। अब बनाएंगे हम नंबर लाइन, तो नंबर लाइन हमने ये बनाई, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ प्लस इन्फिनिटी, वन बाय टू का मतलब 0.5, यहाँ कहीं मान लो अंदाजे से वन बाय टू और इसे इस तरह से लो, ये तो ओपन ही रहेगा क्योंकि इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो सारे ओपन ही रहते हैं, नीचे वाला तो हमेशा ओपन ही रहता है, चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, रीजन क्योंकि वो जीरो बन जाएगा अदरवाइज। सेवन बाय थ्री आया टू पॉइंट समथिंग, तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, टू पॉइंट समथिंग तो यहीं कहीं होगा ना, थ्री से डिवाइड करोगे तो ये तो 0.5 है, यहाँ कहीं होगा, तो ये रहा, ये सेवन बाय थ्री है, तो यानी ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, हमें मालूम है लेस देन है, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें लेस देन हो गया तो माइनस वाला आंसर होगा, तो आंसर आ गया वन बाय टू और सेवन बाय थ्री, ठीक है, दोनों ओपन इंटरवल है, यानी एक्स की वैल्यू जो भी होगी इस इंटरवल के बीच में आएगी, इसको ऐसे ऐसे भी लिखा जाता है, एक्स बिलोंग करेगा इसको, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट होगा, एक और देखते हैं, ये रहा। अब बहुत से बच्चे इस स्टेज में आने के बाद ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है इन इक्वेशन में, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर हम नहीं करते हैं, तो व्हाट वी डू, इस थ्री को इधर ले आओ उठा के, टू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, यहाँ आएगा तो माइनस का थ्री हो जाएगा, उधर जीरो बचा, नॉर्मली इसे सॉल्व करो, माइनस ये हो गया थ्री एक्स प्लस सिक्स, एलसीएम ले लिया भाई अपॉन वन मान के, एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल जीरो, ये माइनस थ्री एक्स में से टू एक्स गया तो माइनस का एक्स, ये माइनस सिक्स हो जाएगा आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट, और ये माइनस का सेवन हो जाएगा, ये एक्स प्लस टू इज लेस देन इक्वल जीरो, माइनस इसके आगे अच्छा नहीं लग रहा तो हटा दो, पहले कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस टू ऐसा कुछ हो गया, माइनस हटेगा तो उधर वाला साइन विल चेंज, ये ऐसा हो जाएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा ये है, एक्स की वैल्यू एक माइनस टू आई और माइनस सेवन आई यहां से निकल के, जीरो के बराबर रखा मनी मन में, यहाँ पे ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, माइनस टू यहाँ कहीं होगा, ठीक है, माइनस सेवन यहाँ कहीं होगा, अंदाजे से एक गोला यहाँ पर, एक गोला यहाँ पर, इसको तो भर दो क्योंकि इक्वल है और ऊपर भी है, नीचे वाला कभी नहीं, नीचे वाला हमेशा ओपन रहता है, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ग्रेटर देन का साइन है, तो ये और ये आंसर होंगे, प्लस प्लस वाले सारे, ठीक है। तो आंसर एक इंटरवल ये रहा, यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस सेवन, ठीक है बेटा, याद रखना ये ऐसे और ये ऐसे यूनियन, और इधर माइनस टू से प्लस इन्फिनिटी, ये ऐसे और ये ऐसे, यानी एक्स की वैल्यू जो भी होगी इसको लाई करेगी, बिलोंग करेगी, ठीक है। यहाँ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी एक्स से बिलोंग करेगा और यहाँ पर भी एक्स से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर सिक्स में ज्यादा डिटेल में आएगा, लेकिन चैप्टर नंबर टू में इसलिए बताया है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं इसके बेसिस पर, तो अगर आपको ये नॉलेज ना होती तो आपको समझ नहीं आता, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, अच्छे से पहले कॉपी पर लिखो फिर समझो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके देखो टाइम देकर। चलो थैंक यू सो मच।